मेरुल एक बहुत ही फेमस डिटेक्टिव थे। मेरुल को एक दुकान से फोन आया, उनके दुकान में नियमित रूप से चोरियां हुई हैं। उन्होंने बताया कि उनके दुकान में आज भी चोरी हुई, लेकिन वह चोर को पकड़ने में असफल रहे। यह सुनकर वह बहुत ही आश्चर्य में हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी कार उठाई और तुरंत उस सुपरमार्केट में पहुंचे और भी चारों तरफ देखने लगे। उन्होंने डकैती से पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच करने पर यह पता चला कि पहले क्या क्या चीजों की चोरियां हुई हैं। उन्होंने एक एक सामान को बड़े ध्यान पूर्वक से देखा चारों ओर जा जाकर। सीसीटीवी से ये फुटेज पता चला कि कुछ ज्यादा ही चोरी हुआ है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किन किन चीजों की चोरियां हुई इन फुटेज को देखकर? 5, 4, 3, 2, 1। आप ध्यान से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 6 आइटमों की चोरियां हुई है। चोर ने बड़ी ध्यान पूर्वक से चोरी की है। तब डिटेक्टिव मेरुल को शक हुआ। मेरुल ने तब चोरी के अन्य 4 दिनों के सीसीटीवी फुटेज को जांच की। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पता चला कि दिन सोमवार करीबन 5 लोग एक साथ आए थे, उसके बाद चोरियां हुई थी। फिर दिन मंगलवार को करीबन 4 लोग थे, तब जाकर चोरियां हुई थी। फिर दिन बुधवार को करीबन 5 लोग थे, फिर चोरियां हुई। फिर दिन गुरुवार को करीबन 5 लोगों ने फिर दुकान में एंट्री मारी, तब फिर जाकर चोरियां हुई। तब डिटेक्टिव मेरुल ने अन्य 4 दिनों के फुटेजेस को चेक किया। फिर उन्हें देखते देखते यह पता चल गया कि चोरी किसने की है। क्या आप इन फुटेजेस को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है इन लोगों में से? ए या बी या फिर सी या डी या ई? तो आप जल्दी से बताइए। 5, 4, 3, 2, 1। ये लंगड़े वाले भाई साहब ने चोरी की थी। देखिए, ये लंगड़े वाले भाई साहब ने दाहिने पैर में सोमवार और मंगलवार को बाएं पैर में प्लास्टर चढ़ाया था। बुधवार को और गुरुवार को प्लास्टर लगे पैर को फिर बदल दिया गया था। तो चोर वही है, आपको पता चल गया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। चलिए फिर नए वीडियो मिलते हैं।